हेलो एंड वेलकम टू वॉन्ना बी अ शेफ़। आज हम क्रिसमस ड्राई फ्रूट केक का जो ड्राई फ्रूट सोकिंग है वो करेंगे। हम नॉन अल्कोहलिक सोकिंग यहाँ पर करेंगे। मैंने यहाँ पे ऑरेंज जूस लिया है क्योंकि हम नॉन अल्कोहलिक ड्राई फ्रूट सोकिंग करेंगे। आप अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हो इसमें, इन केस आपके वो अल्कोहलिक चलता है तो आप इसमें ब्रांडी, रम या फिर ग्रेप जूस या फिर आप दूसरा कोई भी और जैसे है वाइन वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑरेंज जूस लिया है और हमें 200 ml से लेके 250 ml तक ऑरेंज जूस चाहिए। मैंने यहाँ पर आधा कप टूटी फ्रूटी लिया है जो कि मिक्स ऑफ ग्रीन एंड रेड टूटी फ्रूटी है। मैंने यहाँ पे आधा कप अपना ब्लूबेरी लिया है जो कि है ड्राइड ब्लूबेरीज, और मैंने यहाँ पे ड्राइड कैनबेरीज लिया है, और यहाँ पे मैंने काली किशमिश ली है। ये तीनों चीज़ आधा कप है यहाँ पर, और मैंने यहाँ पर अपनी ऑरेंज पील्स ली है। पता नहीं क्यों मैंने ये दुकान से मैंने जो ख़रीदा है उन्होंने लाल कलर इसको डाल दिया, पर ये ऑरेंज पील्स ही है। मैंने चेक किया है टेस्ट करके, और हमें चाहिए 3 से 4 टेबलस्पून किशमिश, नॉर्मल किशमिश, और 1/4 टीस्पून जिंजर, ड्राई जिंजर पाउडर। यहाँ पे मैंने लिया है एक छोटा सा सिनेमन स्टिक या दालचीनी का जो स्टिक होता है वो, और हमें चाहिए थोड़ी सी नटमेग पाउडर, इसलिए मैंने ये नटमेग लिया है, और 3 से 4 लौंग मैंने ली है, और मैंने यहाँ पर लिया है हैंडफुल ऑफ अखरोट जो कि है वॉलनट्स, और मैंने यहाँ पे लिया है अराउंड 1/4 कप काजू। आप बोल सकते हैं ये भी 1/4 कप ही वॉलनट्स है या फिर अखरोट है, 1/4 कप काजू, और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने किशमिश लिया है। तो चलिए बनाते हैं हमारा सोकिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स फॉर क्रिसमस केक। तो एक एक करके हम सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। ये रही हमारी काली जो है किशमिश, ये हमारी नॉर्मल किशमिश। मैंने अपने काजू को 1 में 2 कर लिया है क्योंकि मैंने साबुत काजू लिया था। काजू मैंने सारा डाल दिया इसमें। हमारे कैनबेरीज जो कि है आधा कप, और ये दूसरी बेरीज जो है आधा कप, और हम डालेंगे इसमें अपनी टूटी फ्रूटी जो कि है आधा कप फिर, और हम अब इसमें डालेंगे हमारे अखरोट। अखरोट भी मैंने साबुत लिया है तो आप हाथ से इसको तोड़ सकते हो या फिर कट भी कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। हाथ से ही आसानी से टूट जाएगा वैसे। अखरोट भी हमने सारा तोड़ लिया। अब आई हमारी ऑरेंज पील्स की बारी जो कि है हम थोड़ा सा कट कर लेंगे पीसेस में। मैंने अपने ऑरेंज पील्स को छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिए। अब हम ये भी डाल देंगे, और अब इसमें डालेंगे हमारा जो जिंजर पाउडर है वो। पहले तो हम इसमें सिनेमन स्टिक डाल देंगे जो कि हम 1 में 2 थोड़ा सा कर लेंगे, और ये थोड़ा सा नटमेग है जिसका हम पाउडर बनाएंगे। क्लोव्स हम ऐसे ही डाल देंगे, 3 से 4 मैंने जो लिए थे। नटमेग का मैंने अपने पाउडर कर लिया है, आप देख सकते हो कितना फाइन पाउडर इसका मैंने लिया है इसमें। ये हो गया हमारा नटमेग पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे हमारा 1/4 टीस्पून जिंजर जो कि है ड्राई जिंजर। इसमें ज़्यादा जिंजर भी डाल सकते हो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से, बट मैं थोड़ा यहाँ कम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे को टेस्ट थोड़ा सा लाइट चाहिए जिंजर का। तो ये रहा 1/4 टीस्पून हमारा जिंजर। तो हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जिंजर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और सारे ड्राई फ्रूट्स पर ये जिंजर आ जाए। तो हमने ये मिक्स कर लिया, और अब हम डालेंगे हमारा 200 से 250 ml ऑरेंज जूस। आप देख सकते हो कि हमारा ये जो मिक्सचर है ड्राई फ्रूट का कितना कलरफुल लग रहा है क्योंकि हमने सारी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हमने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाली है। बहुत ही कलरफुल लग रहा है और ये केक बहुत ही टेस्टी बनेगा। और मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैं अपने 2 वर्जन ऑफ केक बनाऊंगी। एक है एगलेस और है विथ एग्स क्रिसमस केक। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी लिया है ड्राई फ्रूट्स की। आप अपने हिसाब से जितना आपको ज़रूरत हो आप कोई भी कॉम्बिनेशन ज़्यादा या कम कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर अपना ऑरेंज जूस डालूंगी अभी जो कि है 250 ml।
आप बिना सोकिंग के भी क्रिसमस केक बना सकते हो, लेकिन सोक करोगे तो क्रिसमस केक काफ़ी अच्छा और भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो मैंने यहाँ पे अपना 250 ml का एक कप लिया है और मैं ये सारा ड्राई फ्रूट्स के ऊपर डाल दूंगी। ये बन गया हमारा सोकिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स फॉर क्रिसमस केक। अब हम इन ड्राई फ्रूट्स को इस जूस में एक हफ्ते तक सोक करके रखेंगे। इसका मतलब ये है कि आज, जैसे कि मंडे है, आज मैं ये केक का सोकिंग बना रही हूँ, तो अगले मंडे आपको केक रेसिपी इसकी मिल जाएगी, बोथ एग एंड एगलेस वर्जन ऑफ दिस रेसिपी। तो देखते रहिए मेरा चैनल। तो ये बन गया हमारा ड्राई फ्रूट सोकिंग फॉर क्रिसमस केक। अब हम इसको एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के और एक हफ्ते तक हम ऐसे ही इसको रहने देंगे उस कंटेनर में, और एक से दो बार दिन में हम उसको थोड़ा सा स्टर कर लेंगे या फिर मिक्स कर लेंगे, ताकि जो जूस है सारी ड्राई फ्रूट्स के अंदर आ जाए, ना कि वो नीचे ही बैठ जाए। आपको पता होगा, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई भी अचार अचार डालते हैं तो आप थोड़ा सा उसको मिलाते रहते हैं या फिर मिक्स करते रहते हैं, ताकि जो मसाला है सब तरफ फैल जाए। उसी तरह हम इस ड्राई फ्रूट को भी एक एयरटाइट कंटेनर में डाल के रखेंगे और दिन में एक बार एटलीस्ट उसको मिक्स करेंगे, और एक हफ्ते तक हम उसको रूम टेम्परेचर पर ही रख लेंगे। ये रहा मेरा एयरटाइट कंटेनर जार, और मैं इन ड्राई फ्रूट्स को सारी इसमें डाल दूंगी और इसको एक हफ्ते तक इसमें रहने दूंगी। आप देख सकते हो कि ये कितना कलरफुल है। आई होप कि ये रेसिपी आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और एक हफ्ते बाद हम इसका केक बनाएंगे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।